गुड मॉर्निंग माई YouTube फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी बजा है 8 o'clock। और जो है बाहर का वेदर कुछ इस तरीके से है। ये देखिए मेरे फेस पे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो कैमरे में वो फील नहीं करा सकती। और देख के आपको पता चल जाएगा, एकदम शांति। और बर्ड घूम रही है, चिड़िया अपने मस्त में। ये देखिए बाहर का वेदर। और बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है, थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब रुक के। कल हुई थी बहुत ज़्यादा, उधर भी पानी वैसे ही भरा हुआ है गड्ढे में। और ये देखिए मस्त एकदम। और वो देखिए जी, हमारा सिम्बा भी आ गया है अपना रूटीन करके, घूमी घूमी करके। खाना इसको देती हूँ, खिचड़ी है थोड़ी, तो वो देते हैं। पेडिग्री नहीं खा रहा है ये 2-3 दिन से ना, इसको अभी भर गया पेडिग्री से। देसी है बेचारा, हमारे जैसे देसी देसी है। मेरा डॉग भी देसी लाड़। हाँ और शिमड़े देसी है, छोड़िया है यश को। तो जी यश भी गया स्कूल, नैनिका भी गई, मनीषा भी गई। और अभी जो है, चलिए मैं किचन में लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो बाहर से कुलदीप दूध भी उठा लाए, ये दही। और इधर मैंने चाय रख दी है। और जो है रात को बर्तन जो है मेरे बिल्कुल ऐसे कैसे रह गए थे, इतनी थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और मैंने मनीषा को भी बोला था, तो मैंने सुबह सुबह बर्तन भी अपने निपटा दी, क्योंकि ये भरा हुआ मेरे सर पे रखा रहता। तो मैंने फटाफट अपना जो है वो सारा कर दिया। और दूसरा, मेरा अदरक भी कल रह गई थी, तो कल मैं बहुत मतलब ऑयली काम किया ना, पूरा ऑयल का ये बनाई मैंने जो है कचौड़ी। तो उसके बाद उठना नहीं हुआ, मैंने मनीषा को बोला तो वो भी पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते सो गई। और अभी मैंने सुबह सुबह उठ के, हाँ इनका मैंने पानी निकाल दिया था, कल भिगोई थी ना ये, तो पानी निकाल के रख दिया था। अभी मैंने इस तरीके से धो के, ये देखो कितनी अच्छी क्लीन हो गई है ये वाली अदरक। तो अभी ये सूख जाएंगी, पानी निकल जाएगा, फिर मैं इसको बास्केट में रख दूँगी ताकि और पानी झरता रहेगा इसका। और ये मस्त में 1 kg है, काफ़ी दिन चलेगी, एक भी ख़राब नहीं हुई है और ना होगी, और ड्राई हो जाएगी। इधर रख दूँगी, थोड़ी धूप में भी रख सकती हूँ मैं इसको, हल्की फुल्की आती मेरे इधर ड्राई बालकनी में, ऐसा नहीं कि पूरा दिन धूप ही रहती है, तो पूरा दिन धूप में भी नहीं रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी कुछ बनाती हूँ। सिम्बा ने पानी पी लिया। और ये आटा कल कुलदीप पिसवा के लेके आए थे, और मैं पिसा हुआ ही आटा करती हूँ, डीमार्ट से गेहूँ ला के और आटा पिसवा के लेती हूँ। तो जो आटा पिसवा के हम लोग लेते हैं चक्की से, उसका मज़ा ही कुछ और है। और बाजरे का भी रखा है मेरा, चारी का भी पिसवाना है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पम्पकिन की सब्ज़ी, ये देखिए धो के लेके आई हूँ फिर से। और अभी मैं ये जो है नॉर्मल हो गई है, ये पम्पकिन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और इधर बन रही है चाय। और चलिए फिर, और हाँ मैंने मिर्ची भी सुबह सुबह इनके डंठल तोड़ के रख दिए, ताकि ये भी बहुत टाइम चलती हैं। वैसे भी ये मतलब लाइट है, एकदम तीखी वाली नहीं है, स्पाइसी नहीं है। तो मैं इस तरीके से ना इनके नाक को तोड़ के रख देती हूँ, ये वाले, तो ये काफ़ी टाइम चलती है। अभी ये सूख गई हैं, थोड़ा बहुत और है, तो मैं इसे साफ़ कपड़े से पोंछ के और फ्रिज में रख दूँगी। और सेम ऐसे ही लेमन है। और इससे क्या होता है ना, गला सड़ा चीज़ें निकल जाती है, तो फ्रिज में जितना टाइम आप रखोगे तो वो उसके चिपक के, अगर गला सड़ा साथ में रखोगे तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्लीन करके रखने से ना बिल्कुल वो जो पत्तियाँ होती हैं डंठल की, वो और ये फिर स्मेल करेंगी नहीं ना, सड़ेगा, एकदम जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, फ्रेश एकदम। तो मैं इनको भी रख दूँगी, और जो है नींबू भी रख दूँगी, काफ़ी टाइम चलता है मेरे नींबू। और इधर मैंने बस टिफ़िन में आज खिचड़ी दी थी, तो ये खिचड़ी रखी है। और बच्चों को सैलड वगैरह, फ्रूट सैलड और ये सब दे दिया था। और रात को मैंने जो है तिल बना के रख दिए थे, और ये इधर इसलिए रख दिए थे कि थोड़े हीट थे तो उससे पसीज जाते, मिक्सर में ही किए थे मैंने। और तिल और गुड़ मिला के रखा हुआ है पीस के। और जो है उधर ये देखो दोस्तों, इधर जो है कुलदीप अपना मज़े से लेके खा रहे हैं, दिखाओ। घी डाल लेते हैं थोड़ा सा सूखा सूखा, वो अंदर दास करेगा। नहीं है शिमड़े,
चिम्बे को कुछ नहीं दिया, पानी पानी पिया, खिचड़ खाएगा, खिचड़ी दूंगी आज, खिचड़ खाएगा मेरा बच्चा, आ जा, या पापा से ही लेगा, पापा से ही ले लेना, ठीक है। तो जी चलिए अभी किचन में ये अपना फटाफट कर लेती हूँ, और अदरक उबल गई है ऐसे, अब अदरक उबाल के फिर मैं चाय पत्ती डालती, चाय पत्ती को बहुत ज़्यादा नहीं खोलाती क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग वाला मेरे को नहीं चाहिए फ्लेवर उसका, और पी भी लूँगी गलती से तो मेरे को एकदम वॉमिटिंग आ जाती है क्योंकि हेल्थ अब कुछ टाइम से मेरी इतनी ख़राब चल रही है ना, बहुत ज़्यादा वेट का इशू का भी कुछ तो वही है ये देखिए, और चाय भी ना होता भी नहीं है, और मेरे को चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग वाली अदरक, तो ये मैं चाय पत्ती थोड़ी डाल दी इसमें, और अब ये खोल जाएगी ना थोड़ी सी, तो फिर मैं दूध डाल दूँगी, और दूध भी मेरे को लाइट एकदम। और ये देखो मैंने ना सारे अपने जो जैम के आते हैं ना वही बॉक्स रखे हुए हैं, टेंशन नहीं है अपना, टूटे फूटे और काफ़ी टाइम चलते हैं ये मेरे, कांच के ही है, देखो पैसे वेस्ट करने से क्या जाता है, ड्रॉर में पड़े रहते हैं अपना मस्त में, और कांच का है, क्लीन कर लो जब ये फिनिश होता है तभी मैं क्लीन कर लेती हूँ, जो चीज़ होती है दालें होगी, दालों के डब्बे हो गए, ये हो गए, और ये देखो मस्त में अपना ऐसे ही सारे मेरे भरे पड़े हैं ड्रॉर में, अभी थोड़ा क्लीन करना है, गिर गया है जीरा डालना जीरे के बर्तन में, तो ऐसे ही मेरे सारे मिलेंगे आपको। चिंपू कहाँ चल रहा है बेटा, कहाँ चल रहा है, बाहर जाना है गुम्मी गुम्मी, मस्का लगाया जा रहा है भैया के साथ है चिंपू, देख ले एक बच्चा का कल्ला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, देख लो क्या हरकत कर रहा है, पिटाई कर, गाली कर रहा है, गाली बकी थी, गाली कब बकी, हाँ यही तो होती है गाली मरने का, मरने का नहीं बोलते, गाली होती है ऐसे, मैं बाबू मैं सोना मैं दुग्गू मैं बुबू बुबू मैं भूबू, एक देखो थोड़ा सा प्यार से बोल दो, हाँ कब है, चॉकलेट बिस्किट आना है, क्या लाना है, चॉकलेट बिस्किट और चॉकलेट, ठीक है ले आएंगे, कब है, अरे मिल लिए कल, अरे मम्मी मिल लिए टॉफी कैंडी लेके आना, ओके टिफिन में लेके जाना, अरे नहीं वो लेके आना वो है ना, अच्छा हां बाय बाय से है ना, हां संभाल के जैसे, और वो कॉटन कैंडी सिम्बा के जैसी कॉटन कैंडी, सिम्बा कॉटन कैंडी है का, आ जाओ भाई सिम्बा को बाइट कर कर के खा जाओ मीठी मीठी कॉटन कैंडी को, ऐ के बाल नहीं सिम्बा के, सिम्बा के बाल नहीं कॉटन कैंडी, वो है ना जो उसपे बाल बाल लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है ले आऊंगी मिलेगी जांच, पागल हो गए पहले ही बोल दिया, पागल हो गए विशाल भैया, पागल हो गए ऐसे बोल रहा है इस बच्चे का, देखो तो जी इधर विशाल को दिया था एक काम, और देखते हैं उसने किया कि नहीं किया है, स्टैंड कैसे आ गया भाई किचन में, और ये देखो मेरा पानी खोल खोल के क्या हालात हो गए हैं इसके, विशाल थोड़ी देर नहीं आती तो ये तो गया था, अच्छा स्लो पे छोड़ देता, सौंफ का पानी बेटा, तो ये देखो पूरा पानी आधा हो गया, तो दोस्तों मोबाइल सर्चिंग का जो है अभी भी चालू है सिलसिला, और हम लोग इधर आए थे और जो है अभी दूसरी जगह देखेंगे, फटाफट निकलते हैं फिर आप लोगों को बताएंगे, अभी तक खरीदा नहीं है, चलिए फिर हम आए थे जी रिलायंस डिजिटल में, और देख रहे हैं दिवाली का कुछ ऑफर मिल जाए है ना, हाँ सर्च सर्च सर्च, चलो चलो और देखते हैं, और देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है, ट्रैफिक एकदम फुल है, जिस भी रोड पे जाओगे ना इस टाइम पे 7:30 या कितना हो गया टाइम अभी 8 o'clock हो गया है, तो काफ़ी भीड़ है, ये देखिए अभी ऑफिस टाइम है ना छुटने का सब, तो बहुत भीड़ है यार, कहाँ से पब्लिक निकल निकल के आ रही है,
बहुत भसड़ मची हुई है सही में दिवाली के टाइम पे तो।